तू पता ना जब से भी उठो पड़ो ना बे 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 लोग इसलिए करो साड़ो सेटिंग से बात करें वहाँ बाहर जाकर आवाज आ रही है। भाई साहब ये बंदा ऐसा है, ये अलार्म एक तरह का, एक ये समझ लो अगर इससे बोल दिया ना कि भाई सुबह इतने बजे उठ जाएंगे और चलेंगे तो ये भाई उससे पहले उठ जाएगा और ऐसी की तैसी कर देगा सब बह 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 बह। मैं नहा रहा हूँ, ठीक है चल जल्दी चल। शकल देख लो इसकी, पहन लिया मैंने कपड़ा। नहाओ तुम मत नहाओ, ऐसी सूखला बन के चली और चार दिन में तो आज कोलगेट करी। सच बता, सही बताइए कोलगेट कितना दिन में करी आज एक बताइए। तेरा मेरे को मेरा मुंह से बदबू आई बहुत ज्यादा आ रही है। अब तो यही बात पिटगी ना ज्यादा तो मेरी भी करे वो बेइज्जती थोड़ी सी। बेइज्जती के सही बात है, चार दिन में आज कोलगेट हाथ में लिए तुमने। सो गाइस आज हम उठ गए हैं और यहाँ का जो नजारा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो पहली बार देख रहा है ना उसको तो भाई मजा ही आ जाएगा और जो दूसरी बार देख रहा है वो भी कहेगा कि यार मैं गया जरूर था यहाँ पे पर मैंने फोटो और वीडियो नहीं ली थी। तो हम ले रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। देवप्रयाग में रुके हुए और यहाँ पे भागीरथी और दूसरी नदी कौन सी थी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है यहाँ पे, मिलन होता है दोनों नदियों का। दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही शानदार नज़ारा है। पहले चलते हैं थोड़ा सा आगे क्योंकि हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना पड़ेगा एक पुल क्रॉस करके। फनी वीडियो बनाते हैं राजस्थान कपड़े बोल रहे हैं, ये तो ब्लॉग बन रहा है हमारा। अच्छा ब्लॉग में ले ले, ब्लॉग में तो आ गए आ गए। कहाँ से हो? हाँ मैं सोनीपत से हूँ भाई, हरियाणा से। जो भाई करना होता है पानी का भाव देख सकते हो आप कितना भयंकर है। इंसान अगर गिर जाए तो यहाँ गिरेगा और मिलेगा वहाँ इतनी देर में, मिलेगा ही नहीं। गाइस यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, वो भागीरथी है ये अलकनंदा, वो गोमुख से आती है गंगोत्री से, पर यहाँ पे आके दोनों नदियों का संगम होता है। गाइस मछलियाँ भी है इसमें ठंडे ठंडे पानी में। जूम करके दिखा, जूम करके। अगर तुम एक पकड़ लो तो मैं नीचे तक चले जाऊंगा। साला मछली के चक्कर में के दिजावा। चलते अब यहाँ से सीधे केदारनाथ जो कि यहाँ से है अभी 170 किलोमीटर दूर। ये देखो लोकेशन देखो, ये बहुत देर से नाराज था पर ये आपके लिए खुश हो रहा है। देख लो व्लॉग में आ रहा तू, हाँ थोड़ी शक्ल अच्छी बना ले। हीरो आके अरे सुअर लग रहा कते ही हीरो नहीं, आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जलन मच रही है, चीज तू लेने ये हवा की वजह से, गाड़ी की जो एसी है ना वो दिक्कत कर रही है तो इसलिए ये चश्मा लेना पड़ेगा मेरे को। ये मतलब पसंद नहीं है पर लेना पड़ेगा। जाने दुश्मन में जो पहनता है ना विलन और अक्षय कुमार ऐसे। सुनो भाई अपना ले लीजिए, मैं अपन चश्मा किसी को ना दूं कदर स्तम कोई मांगे मेरा बाप नहीं देगा, मेरा बाप नहीं देगा। हमारे मेरे मोबाइल दुकान है, मैं मोबाइल देता हूं। पहले मेरी बात सुनो, 50 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
भाई, अगर आप भी आओ तो यहाँ जरूर आना। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, बड़ा ही मजा आता है। नहा भी सकते हो आप और घूम भी सकते हो, देखने लायक जगह है भाई, एक नंबर। तो अभी निकलते हैं यहाँ से सीधा केदारनाथ बाबा के। जय भोलेनाथ। अरे घंटा मजा आवे चलो बोले फालतू है। कौन बोले? यो गाइस हम निकल भाई मैं ओए सुन हाँ वो विक्की बोल रहा कुछ देवप्रयाग से निकल चुके केदारनाथ के लिए, तो आप भी आइए, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है। ज्यादा ना बोल सकूं मैं यार।
यहीं से हो आप? जी जी जी। तो गाइस हम पहुंच गए धारी देवी मंदिर, रास्ते में ही है और बहुत अच्छा मंदिर है। नीचे जाके बताएंगे हम आपको कैसा मंदिर है ना। बताओ यहाँ के बारे में थोड़ा सा कुछ। ये चार धाम की रक्षक देवी है। चार धाम की रक्षक देवी जी। फिर तो जरूर जाके आना पड़ेगा भाई, वहाँ तक पहुँचना है तो रक्षा माता करेगी हमारी। चलो ठीक है भाई, चलते हैं ना। जोड़े से आए? हाँ जोड़े से, ये जोड़ी है। तो भाई वीडियो बहुत देखते हैं यार, भाई वीडियो बहुत देखते हैं तो मजा आता है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ भगवान की दिखा रहा वीडियो, इधर आ भाई, वो है ना, इनको भी दिखाना जरूर, पहचान नहीं रहे। मंदिर में दर्शन हो गए, बहुत अच्छे, बहुत शांति मिली है मतलब मन को। मेरे को तो काफी देर तक दर्शन हुए हैं माता के। चलते हैं आगे बाबा की ओर, क्या धारणा। ठीक है भाई, ये इधर बन रहा है क्या कुछ? रेलवे का सर। क्या बनेगा? रेलवे। अच्छा ट्रेन निकलेगी यहाँ से? क्या बात है, ट्रेन में सीधी केदारनाथ तो जाती है ना? नहीं जाती भाई, वहाँ तक कट गया रास्ते में, और भी पीछे रह गया वो। चलो इसकी गाड़ी ठंडी कर जल्दी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ ठीक है। हाँ तो फिर भैया ड्राइवर को भैया ही बोलेगा, हम के कुत्तो बोलेगा, गधो बोलेगा। पानी को हाथ में लेने वाली जगह, टच करने वाली जगह, लेते हैं आ जाओ। क्या हवा चल रही है भाई साहब, गरम है। चल चल आगे आगे, तो चप्पल पहन के चलना। ये गाइस वो पुलिस वाले वहां से सीटी मार रहे हैं, मना कर रहे हैं किधर जाना अलाउ नहीं है, तो अभी निकलते हैं। रैप्टन आफ्टन आते ले गई। तो गाइस मजा आ गया हमको तो घूमने में, जो वहां पे नहीं गया ना उसकी किस्मत खराब थी। मजा तो तेरी मजा आ रहा था पर, लेकिन मैं क्या करूं यार, फिर दोबारा आता तो सुन सुन बोलते हैं कर रहा तो, लेकिन यार हमें एक बार तो आ रहा था, मन क्या आ ही रहा है। यानी पहले तो मना कर दिया, अब सोच रहा हूं अब जाऊंगा तो साला फिर कोई बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत ना है मेरी। कमेंट दिखाना भी जरूरी है यार, हम तो अभी कम से कम एक घंटा रुकता हूँ, पुलिस वाला ने मना कर दिया, इधर अलाउ नहीं है। भाई जब भी आओ ड्राइव करो तो भाई सेफ तरीके से करना, जो अपना ड्राइवर उसको पिलाना मत, और अगर पिलाना ही मत, पिला भी दिए तो नहीं, पिलाना ही मत भाई, नहीं तो यमराज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इधर ऐसे देखूँ ना तो ऐसा लगे अब गई गाड़ी नीचे, तो भाई ध्यान से आना समुंदर तल से, तो भाई ऊपर है बहुत ज्यादा। गाइस अभी लग रही है भूख बहुत तेज, पेट में जगह नहीं है, तो अभी हमारी मनपसंद चीज भी मिल गई है जहाँ हमें जाना था, चलते हैं। अबे भंडारा में गोलगप्पा हो रहा है आज, पहली बार देखा गोलगप्पा आ जाए तो। तो गाइस बारिश हो गई है स्टार्ट, और अभी हम पहुंच गए हैं केदारनाथ से 65 किलोमीटर पहले, जिसका नाम है गांव का सोडी, और मौसम हो गया है सेक्सी, ड्राइवर भी चेंज हो गया है क्योंकि आगे के लिए अच्छा ड्राइवर चाहिए मेरे जैसा। करो गाड़ी दे रहा हूँ मनी वालों, नहीं गाड़ी अच्छी चलाता है, अगर किसी को ड्राइवर की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना।
गाइस देख लो कितना खतरनाक रोड है, सिंगल रोड है भाई साहब, फटी पड़ी है ये समझ लो। गाड़ी चलाते टाइम बहुत ध्यान देना पड़ता है चारों तरफ, उस गाड़ी वाले को पीछे लेना ही पड़ेगा हमारे, है ना। देखो पानी नीलो पानी यार बिल्कुल, देख ओ भाई साहब ये शुद्ध है। सो गाइस हम सबको लग रहा है यहाँ पे जन्नत रियल में, किसी के टेंशन हो तो एक दो महीने पैसों को जोड़कर कमा के कहीं से भी कैसे भी एडजस्ट करके भाई यहाँ पे आओ, सुकून मिलेगा। कोई बात ना दे रहा है गाइस, ये पहुँच गए हम गुप्त काशी में, और ये सही में गुप्त थी, इतने दिनों से हमने देखी नहीं थी ना, तो हम पहुँच गए वहाँ पे। आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक वो घर रहे, वो आपको लग रहे हैं कि ये रहे पास में, लेकिन हमने कम से कम इधर घूम के उधर 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 जाके इधर 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 आके कम से कम भी तो 10 पहाड़ क्रॉस करें तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से तो ऐसा लगता है कि ये रहा बस, और रात होने वाली इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए जल्दी से जल्दी केदारनाथ जी पहुँचते हैं ना। भर ये बालक किसको है भाई? भाई साहब मेरी उम्र होगी 35 साल, लेकिन जो खुशी आज मिली है ना कभी ना मिली। देखते हो ना? अरे बिल्कुल, हर एक लौंडा देखता है यहाँ से, सारे यहीं से राजस्थान से आई है सीधी, वीडियो हमारी यहाँ पहाड़न पे चढ़ गई आगे। इन भाइयों तक पहुँचेगी यहाँ पे यार, मतलब सब है ना ऐसे होते हैं गोरे गोरे से, है ना तुम्हारी तरह सब, ये भी गोरा ही है, ये भी गोरा ही है, हर खिलाते विलाते नहीं होंगे चुपचाप यार। लग रहा है एक रूम में सिंगल बंदे का 2000, वो तो एक रुको चाहे तीन रुको कोई दिक्कत नहीं हो सकता, वो पर्सन के हिसाब से पड़ता है वहां, पर्सन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, उत्तर के हिसाब से। गाइस यहाँ पे जाके आते हैं एक बार, हेलीकॉप्टर का रेंट पूछते हैं हम, मतलब लेना ही नहीं है हेलीकॉप्टर तो खैर, पर रेंट तो पूछ ही सकते हैं, पता तो होना चाहिए ना कितना है कितना नहीं है। दो तीन हेलीकॉप्टर छोड़ रखा मैंने, वो चेक करता हूँ वो सही चल रहा है, टायर में हवा हुआ है कि ना है, वहाँ तक जाके देख क्या। हेलो 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 हेलीकॉप्टर जी नीचे आ जाओ, गर्मी ज़्यादा लग रही है इसलिए हेलीकॉप्टर को पंख चलवाऊँ जाके। तो गाइस मेरा हेलीकॉप्टर आ गया, मैं उसमें जाऊँगा ठीक है। गजब बेइज्जती है। कैसा लगा? ओ भाई नगारा कहाँ जा रहे? नीचे चलो, हमसे दोनों समझदार और कोई ना है, और ना कोई हो सके। हेलीकॉप्टर में 6000 को तेल लगता है, 6000 ना मशीन वालों तेल डले या में वो वालों लगे जो मोबाइल ना सुधारे जो वहाँ डाले। गाइस रास्ते में लग गया है बहुत लंबा जाम, बहुत ही ज्यादा लंबा जाम है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा पैदल पैदल चलते हैं आगे तक, तब तक गाड़ी आती रहेगी। हेलो अंकल, भाई बुला रहा हूं करो भाई, गाइस एक बार मिल लिए इस पीछे बैठो। अंकल वेट कर रहे हैं कि कब जाम खुलेगा, छिलके फेंके भाई ने थोड़ी सी मूंगफली फेंक देता। इनका चक्कर में फंस जाता है। बहुत वीडियो फॉलो करो, देख अंकुश के नाम से आती होगी ये तो। थैंक यू भाई, ये तो भाई वही है ना यार, यही ड्यूटी चल लग रही है क्या? ड्यूटी यही लग रही है ना भाई, गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा गाड़ी चला रहे हो, चलो अच्छा है बढ़िया। सुन ये गाड़ी इतनी देर हो गई, इतने देर में हम कपड़ो मार ले गाड़ी पे, तो गाड़ी पे कपड़ो मार ले। हेलो कैसे हो, कहाँ से आ गए? रोड रोड से आए, पहाड़ों में से। इतनो ब्रो जंगल से सिड़ रहे यार, दो बार पा दो, इतनो ब्रो सिड़ा दी गाड़ी कसम से, वाले वाटर नाक पैर दिए मैंने। अबे डीके को तो कच्चो दियो। गाइस एक फैन मिल गया, एक ना दो तीन मिल गया, तो उनसे बात कर रहा हूँ, और इसने पीछे से पाद दिया। मेरी जगह आप होते तो करा तो सेल्फी कर रहा है ना, सेल्फी ले लूं कुछ के हो तो सोने के कर दियो तेरे साथ, अब आ रही है रात की ऐसा ना दोबारा कर। हम पहुंचने वाले केदारनाथ, और यहाँ से अभी काफी दूर है, खैर
लेकिन हम पहले जाएंगे सोन प्रयाग, वहाँ पे आज शायद हम रुकेंगे क्योंकि नाइट में तो अंधेरा हो जाएगा, तो कल सुबह हम यात्रा पे निकलेंगे। ड्राइवर जाते हैं, ये ड्राइविंग के साथ साथ और भी काम करता है। अरे और काम मतलब तू जागो, जाते गाड़ी पे कपड़ो मारा गो, फिर हमारे लिए बेड वेड लगा गो, बेकार बेकार अच्छी बात रखिए बावड़ी में उचाएगा तू, फिर यो के मतलब यो यो वीडियो हिला दी पूरी की पूरी, नूनू कर रो नूनू ले खा लियो। भाई उल्टी अल्टी आ रही है लग रो भाई, खुशखबरी आने वाली कुछ ना कुछ क्यों गो भूख पास में यार लो। ओ बोल बोल चल रहा है, ओ जा चल 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 पैदल आ पैदल यार, ये कितनी बार पा देगा मेरे को यूं समझ ना, गाड़ी जब ही छिड़ा दे रहा है मूड खराब कर दिया भाई, पंखो चलाण दे यार भाई, यार चौथी बार पा दे रहो चौथी बार पेट में मुंह डाला तो पसीना आ रहा है, मना करी थी मत खावे इतनी आज मोला भाई पेट खराब है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो गाइस सोनप्रयाग में हो गई हमारी रात खत्म और अभी निकलते हैं केदारनाथ के लिए। चलो आजा। अरे एक बोतल तो ले ले फेंको। अरे तो एक ही तो दिए तेरे को, तो यार चढ़ूंगा चढ़ ला फेंक फेंक आराम से, अगर देख नीचे नहीं आनी चाहिए ना तू लिया ना कार बैग तो बहुत ऊंची चढ़ाई है, आ जा यार सुनो वैसे चढ़ो नहीं जाएगा, आ जा ले एक कोट फेंक चल चल आराम सही हो, अभी शॉर्ट कट का चक्कर में हो जाए। गाइस ये रास्ता आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल है लेकिन बहुत ज्यादा रिपटन है इसमें, बहुत ही ज्यादा, पैर रिपट गया तो सीधा नीचे खड्डा खड्डा ने पैर रख, आगे वजन रखा है ऐसे। हाँ ये बता बता आगे वजन। तो गाइस वो बंदा देख लो एक बार, देखो भाई देखो फसा दियो, खतरों के खिलाड़ी। आजा आजा जल्दी आजा, जब हम पहुंच गए गाइस ऊपर रोड पे और यहाँ पे लंबी लाइन लगी है पैदल वालों की, देखो गाइस मेरे को पता है मजो तो आ रहा हो लोग देखने में, और भी ज्यादा मजो आने वालों, आगे आगे टेंशन क्यों ले रहा हो, मजा की फुल दुकान है आगे, पर क्या करे लोग बहुत ज्यादा हो गया बड़ा, इसलिए मेरे को इसका एक और टूक करना पड़ेगा, कट कर दिया है, आगे का व्लॉग आ रहा है बहुत जल्दी, तब तक के लिए यहाँ जल्दी से कमेंट कर दो कैसा लगा व्लॉग, लगा व्लॉग, थैंक यू।